सुनिए मेरी बात को। भगवान राम जैसे अयोध्या छोड़ के आगे बढ़े तो दशरथ जी महाराज कहते हैं, कौशल्या अब मुझे अयोध्या दिखाई नहीं दे रही। क्यों महाराज, क्या आपकी आंखों की ज्योति चली गई है? बोले नहीं नहीं नहीं, अगर ज्योति मेरी चली गई होती तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे कोई दिखाई दे रहा है तो ज्योति नहीं गई, लेकिन सरयू दिखाई नहीं दे रही, अयोध्या दिखाई नहीं दे रही है। कौशल्या तू भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, राम तो दूर चला गया, वो दिखाई कैसे देगा? तो आपकी निश्चित रूप से ज्योति चली गई है, चित्रकूट चले जाओ तो निश्चित रूप से आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा। क्यों भाई, सबसे बड़ा नेत्र चिकित्सालय कहाँ है? चित्रकूट में। आप कहोगे महाराज उस समय नहीं था, अरे भाई अभी तो है ना, अभी तो है। कौशल्या जी ने कहा, आपको फिर कोई दिखाई दे रहा है? कहा ज्योति मेरी नहीं गई, मुझे दिखाई दे रहा है। कौन? कहा कौशल्या इस समय मुझे श्रवण की लाश दिखाई दे रही है और श्रवण के माता पिता का श्राप सुनाई दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा बोलो, श्रवण की लाश दिखाई दे रही थी महाराज दशरथ को, तो दिखाई दे रहा है ना कोई? ये क्या है? ये जीवन में किया हुआ कर्म जो सामने दिखाई दे रहा है। उस समय परिवार दिखाई नहीं देता है, मृत्यु के समय याद रखना, इसलिए कर्म बिगड़ना नहीं चाहिए आपका। प्रयास करो कि कर्म कोई बिगड़ गया है तो उसका हम प्रायश्चित कर लें और उसकी पुनरावृत्ति न करें कर्म बिगड़ने ना पावे। लेकिन यदि कर्म बिगड़ गया है और आपने प्रायश्चित नहीं किया है तो निश्चित रूप से मृत्यु के समय कोई दिखाई नहीं देगा, ना संपत्ति, ना भवन, ना संतान, यहां तक कि पत्नी जीवित है वो भी दिखाई नहीं देगी, कोई भी दिखाई नहीं देगा। केवल दिखाई देगा तो किया हुआ कर्म दिखाई देगा, जो मैंने किया है वो सामने आ जाएगा। इसलिए तापस अंध श्राप शुधी आई, और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। दशरथ जी महाराज के सामने विषाद है, यही चर्चा मैं कर रहा था, विषाद है। अयोध्या की भूमि दशरथ जी के विषाद को दूर नहीं कर पाई। और सुनिए, श्रृंगवेरपुर में आए भगवान, वहां का राजा भी विषादग्रस्त हो गया। रामायण का प्रमाण है, श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद, वो भी भगवान को देख करके विषादग्रस्त हो गया। राम सियम शयन निहारी, भयउ बाद निषाद ही भारी। क्यों भाई, निषाद राज जी भगवान को पत्तों की सैया पर विश्राम करते हुए देखे तो विषाद उत्पन्न हो गया। रात्रि भर रोए हैं निषाद राज जी, रात्रि भर रोए हैं। इसका मतलब है कि भगवान विश्राम कर रहे हैं और निषाद राज जी दर्शन कर रहे हैं, लेकिन विषाद दूर नहीं हो रहा है, विषाद बढ़ता जा रहा है। बोलो बढ़ता जा रहा है कि नहीं? ये स्थिति है। श्रृंगवेरपुर की भूमि ने भी भगवान के होते हुए भी, प्रभु राम के होते हुए भी, वहां के राजा के विषाद को दूर नहीं कर पाया। या अथवा ये कहिए कि श्रृंगवेरपुर की भूमि पर भगवान श्री राम विश्राम कर रहे हैं, लेकिन श्रृंगवेरपुर की भूमि पर प्रभु श्री राम वही राम है जो अयोध्या से चल के आए हैं, वही राम है जो चित्रकूट में कामदगिरि पर विराजित होंगे,
लेकिन वहां विषाद दूर नहीं कर पाए। भूमि की महिमा सुना रहा हूं, भूमि की महिमा। भयो विषाद निषाद ही भारी। फिर विषाद कैसे दूर हुआ? लक्ष्मण जी ने रात्रि भर समझाया, लक्ष्मण गीता बहुत बड़ा प्रसंग है ये। तब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मण से ज्ञान पा करके उसका विषाद दूर हुआ। क्यों भाई, हुआ कि नहीं हुआ? काउ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बहुत लंबी बात, बहुत लंबा प्रसंग है। अच्छा, एक बात और आपको स्मरण दिला दूं। अर्जुन का विषाद कब बढ़ा? जब भगवान कृष्ण सारथी बनकर के रथ चला रहे हैं कुरुक्षेत्र में, और अर्जुन ने देखा कि भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, कृपाचार्य जी, गुरु द्रोणाचार्य जी, तो बोलो विषाद ग्रस्त हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, दर्शन किसका कर रहा है अर्जुन? भगवान का दर्शन कर रहा है, क्योंकि सारथी है वो। और विषाद, इतना विषाद कि उसने धनुष बाण फेंक दिया, हथियार डाल दिए, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा बोलो, उस समय समझाया किसने, ज्ञान किसने दिया अर्जुन को? भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, उसी समय गीता का भाष्य हुआ है। सीधी सी बात यह है कि भगवान कृष्ण दर्शन दे रहे हैं, उपस्थित हैं, लेकिन अर्जुन का विषाद दूर नहीं हुआ। लेकिन जब गीता का ज्ञान का उपदेश दिया है भगवान कृष्ण ने, तब अर्जुन का विषाद दूर हुआ है। स्पष्टीकरण हो रहा है। लेकिन धन्य है चित्रकूट धाम। चाहे जितने बार कुरुक्षेत्र चले जाना प्यारे, चाहे जितने बार अयोध्या धाम चले जाना, चाहे जितने बार बद्रीनाथ धाम चले जाना, कोई मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं चित्रकूट में कामदगिरि पीठाधीश्वर हूं इसलिए इस नाते पक्ष की बात कर रहा हूं। ऐसा कोई भाव नहीं है। गिरा रथ जल बीच सम कैयत भिन्न न भिन्न, बंदा हूं सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जैसे राम और सीता में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही अयोध्या और चित्रकूट में भी कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब स्पष्टीकरण होगा तो राम जी की विशेषता क्या है, वो सीता जी की विशेषता क्या है, वो कहना ही पड़ेगा। इसलिए अयोध्या की विशेषता क्या है और चित्रकूट धाम की विशेषता क्या है, अयोध्या धाम की क्या है, ये तो अंतर मुझे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रंथ साक्षी है। भगवान श्रृंगवेर पुरुषे चित्रकूट आ गए प्रयाग होते हुए। जब चित्रकूट धाम आए और कामदगिरि पर्वत पर उन्होंने तप किया, तो याद रखना ये चित्रकूट धाम की विशेषता और श्री राम जी की विशेषता, प्रभु राम के तप की विशेषता, ये सारी विशेषताएं इस चित्रकूट धाम के साथ एक साथ जुड़ गई। क्या जुड़ गई? बोले आप चित्रकूट आइए, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां बहुत बड़ा अनुष्ठान करें तब आपकी समस्या का समाधान होगा। आप यहां कई महीने तक रह करके परिक्रमा करें तब आपकी समस्या का समाधान होगा। भगवान ने कहा कि चित्रकूट धाम में आइए और कामदगिरि भगवान का दर्शन करिए, तो अवलोकत अपहरत विषादा, दर्शन करने मात्र से ही विषाद दूर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अवलोकत अपहरत विषादा। इसलिए कामद भैगिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। मैं एक बात ही तो है, ये क्या है? ये विषाद है, भरत जी का विषाद। कहां बोल रहे हैं भरत जी? प्रयाग में नहीं कह रहे हैं, अयोध्या में कह रहे हैं। इतना विषाद से हृदय भर गया कि सरजू के तट पर कह रहे हैं, आपन दारुण दीनता सब को सिरनाए, ओ देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न
जाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत बहुत दूर चले गए राम जी। कहां गए गुरुदेव? कहा चित्रकूट में। आपको कैसे पता? महर्षि वाल्मीकि जी ने मुझे बताया है। महात्माओं की बात होती है ना आपस में, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट गिरी करो निवासु ता तुम्हार सब भात सुपासु। महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया है कि वो चित्रकूट में रह रहे हैं। बहुत दूर है चित्रकूट, रास्ता भी सुगम नहीं है, कंट का कीण भरा मार्ग है, पत्थर पहाड़ पर्वत बहुत हैं। भरत साधारण स्थिति में नहीं पहुंचा जा सकता है। चित्रकूट अरण्य अभ्यारण्य है। भरत जी ने कहा कुछ भी हो, कहीं भी हो चित्रकूट, हम चित्रकूट की खोज करेंगे। कहीं भी हो चित्रकूट, गुरुदेव मैं चित्रकूट जाऊंगा, क्योंकि मेरे हृदय की जलन समाप्त नहीं हो रही है। और निश्चित रूप से भरतलाल जी महाराज के हृदय की वेदना, जलन, उदासीनता किसने दूर की है बोलो? चित्रकूट धाम ने की है। कैसे? भरत जी आ रहे हैं और चित्रकूट पहुंचना है ये लक्ष्य लेके आ रहे हैं। चाहे जितना कठिन मार्ग हो लेकिन चित्रकूट पहुंचना है। चित्रकूट आ रहे हैं। अच्छा भैया, चित्रकूट आ रहे हैं तो चित्रकूट की बोलो भाई, जिए की जरन हरन हस हे रथ। बोलो ये प्रमाण कहाँ का है जल्दी बोलो? ये चित्रकूट धाम का प्रमाण है। प्रयाग का तो नहीं है, श्रृंगवेरपुर का तो नहीं है, ये चित्रकूट धाम की विशेषता है कि भरत जी की जलन को भगवान समाप्त कर रहे हैं। कर कमलन धनुषायक फेरत, जिए की जलन हरन हस हेरत। उठे राम सुन प्रेम यधीरा, ओ कहूं पट कहूं खंग धनु तीरा। भगवान अधीर होकर के दौड़ पड़े, भरत भरत कहाँ है मेरा भरत, कहाँ है मेरा भरत? बोलो ये प्रेम की भूमि है कि नहीं? ये प्रेम की भूमि है। याद रखना, अयोध्या में ऐसी काल रात्रि आई, ऐसे ग्रह नक्षत्रों की प्रतिकूलता आई कि भाई भाई अलग हो गए। बोलो हो गए कि नहीं? दो भाई ननिहाल में और दो भाई बन बन भटक रहे, बोलो ये कंडीशन आ गई थी? ये कंडीशन आ गई थी। लेकिन सावधानी से सुनना, चित्रकूट ने जो चारों भाई अलग अलग हो गए थे, दो भाई अलग दो भाई अलग, लेकिन धन्य है चित्रकूट की भूमि, इन चारों भाइयों को एक कर दिया है चित्रकूट की भूमि ने। चित्रकूट धाम में आकर के चारों भाई एक हो गए। बोलो मिल गए कि नहीं मिल गए? तो ये चित्रकूट धाम की महिमा है, ये भूमि की महिमा है। अब कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा, धनुष बाण अलग गिर गए, पीतांबर अलग गिर गया। भगवान दौड़े और भरत जी को उठाने लगे। भरत जी ने कहा मुझे चरणों में पड़ा रहने दीजिए। भगवान ने कहा वो ठीक है तुम्हारा भाव, लेकिन मैं तो हृदय से लगाऊंगा। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा प्रभु आपको पता नहीं है आपका धनुष बाण पीछे पड़ा हुआ है? नारद जी ने कहा पीतांबर भी पड़ा हुआ है? भगवान ने कहा पड़ा रहने दो। किसी ने पीतांबर से कहा धनुष बाण से प्रभु ने त्याग कर दिया है, उनकी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। निश्चर हीन करो मई भोज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। अब प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी जब धनुष बाण का त्याग कर दिया? धनुष बाणों ने कहा कि मेरे प्रभु किसी का त्याग नहीं करते, मेरे प्रभु तो एक बार जिसे स्वीकार कर लेते हैं वो फिर त्याग नहीं करते हैं, तो तुम्हारा त्याग क्यों किया? धनुष बाणों ने कहा मेरा त्याग नहीं किया है। पीतांबर ने कहा मुझे भी, मेरा भी त्याग नहीं किया है। धनुष बाणों ने कहा मुझे भी गिराया नहीं गया है। फिर धनुष बाण कहने लगे मैं तो स्वयं अपने आप गिर गया हूं। अपने आप क्यों गिर गए? धनुष बाणों ने कहा इसलिए कि मैंने देखा कि चित्रकूट की भूमि पर भगवान राम के अति प्रिय भाई भरत, उच्च कोटि के जो संत हैं, वो पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और हम अभागे कंधों पर चढ़े हुए हैं। ऐसी दशा में तो मुझे भी गिर जाना चाहिए, इसलिए कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। बोलो अभिमान रहेगा चित्रकूट में? कोई रहे है? अभिमान रह नहीं सकता है। याद रखना ये चित्रकूट की भूमि है। कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा, धनुष बाण भी पृथ्वी पर गिर पड़े।
पीताम्बर भी पड़ा हुआ है। भरत के हृदय में उदासीनता थी, भगवान दूर कर रहे हैं। बरवस लिए उठाए उर, बरवस लिए उठाए उर, लाए कृपा निधान। ओ भरत राम की मिलन लख, बिसरे उ सब अपान। परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित यही मित बिसराई। ये चित्रकूट का मन बुद्धि चित अहिमित बिसराई। बोलो ये कहाँ हुआ है? अयोध्या में हुआ है ये कि चित्रकूट में? मन बुद्धि चित अहिमित बिसराई ये चित्रकूट में हुआ है। भगवान राम ने जब हृदय से लगाया तो भरत और राम के मिलन को देवताओं ने देखा, क्योंकि चित्रकूट में ही हो। संतों ने देखा, जब देवताओं ने संतों ने देखा तो कहा परम प्रेम पूरण दो भाजी, मन बुद्धि चित यही दोनों मिल रहे हैं। अच्छा सबके प्राण कौन है? राम है। क्यों भाई सबके प्राण कौन है? राम है। यदि राम जी प्राण हैं, तो भरत जी प्रेम हैं। प्रेम अमीय मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर, मथ प्रगट्यु सुर साधुहित, कृपा सिंधु रघुवीर। इसलिए भरत जी प्रेम हैं तो राम जी प्राण हैं, राम जी प्राण हैं तो भरत जी प्रेम हैं। तो प्रेम उधर से चला, कहां से? अयोध्या से। और चित्रकूट से कामदगिरि से कौन? राम जी। बोले प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे, और दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, तो पता नहीं कब किस में कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। यह है चित्रकूट, इसे कहते हैं चित्रकूट की पावन स्थली, तपस्थली, प्रेमस्थली भगवान राम।